उत्तर प्रदेश सरकार के एडवोकेट जनरल वीसी मिश्रा को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है। एडवोकेट जनरल पर सरकारी हेलीकॉप्टर से बांधा जाकर समाजवादी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करने का आरोप है। चुनाव आयोग ने मिश्रा के वेतन से हेलीकॉप्टर का किराया वसूलने का आदेश दिया है। मिश्रा इलाहाबाद उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कई बार रह चुके हैं। वो ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पहले वो कांग्रेस में थे, लेकिन कुछ साल पहले वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। हमारे साथ और जानकारी के लिए शलभ मरी त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शलभ, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू है, उसके बाद भी जो सरकारी हेलीकॉप्टर है उसको लेके जाना और फिर चुनाव प्रचार में उसका इस्तेमाल करना। जी देखिए, यही आरोप लगाए, इल्जाम लगाया जो महाधिवक्ता है उत्तर प्रदेश के, और ये कहा गया है जो बीजेपी की तरफ से कंप्लेन इस मामले में चुनाव आयोग में की गई थी, और उसमें ये कहा गया था कि जो महाधिवक्ता है वो सरकारी जो चार्टर प्लेन है वो लेकर गए, और वहां पर वकीलों के बीच जाकर समाजवादी पार्टी का उन्होंने प्रचार किया। वहां पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के लिए वोट मांगे उन्होंने, और पूरे प्रदेश में कहा कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट किया जाए। हालांकि महाधिवक्ता कहना है, ये उनकी सफाई थी, कि उन्होंने कोई प्रचार नहीं किया था, लेकिन चुनाव आयोग ने इसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन माना है, और ये कहा है कि जो 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 जिस जरिए वो गए थे हेलीकॉप्टर जो चार्टर प्लेन के जरिए, उसका जो तेल का पैसा है, जो फ्यूल का पैसा है, वो इनकी सैलरी से काटा जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद शलभ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।